तो गाइस फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं आदित्य इस्पात लिमिटेड के बारे में। कंपनी नाम से ही पता चल रहा है मेटल क्षेत्र में काम करता है, ऊपर से स्मॉल कैप है, हाई रिस्क है। तो हम लोग को बहुत ही कम अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। 10 रुपये में शेयर का भाव मिल रहा है, क्या है 10 रुपये वाला शेयर 50 रुपये तक भविष्य में जा सकता है। 50 रुपये तक जाएगा तो हम लोग को एक मल्टी बैगर रिटर्न एक कंपनी दे सकता है। तो वही चीज हम लोग देखेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल पर नहीं हो तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही एनालिस्ट वीडियो आपको पर डे देखने के लिए मिलता रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे। दोस्तों कंपनी एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर है, 513513 इसका कोड है। ये डालोगे तो शेयर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउनफॉल है, 5 डे में डाउनफॉल है, 1 मंथ में यहाँ पर अच्छा रिटर्न सिर्फ कंपनी दिया है। 6 महीने की चार्ट पैटर्न में 10% की अच्छा रिटर्न दिया है। अगर मैं 5 ईयर की चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा 46% की एक अच्छा रिटर्न कंपनी दिया है। कोविड के टाइम जब नेशन वाइज लॉकडाउन लगा था तो कंपनी यहाँ पर देखोगे 7 रुपये में था। कोविड जब लॉकडाउन लग गया तो 3 रुपये तक आ गया, उसके बाद 15 रुपये तक गया था, अभी डाउनफॉल में मिल रहा है। ओवरऑल लेकिन अच्छा रिटर्न कंपनी अभी तक दिया है। मैक्सिमम देखोगे तो कंपनी 400% की अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी 1999 में लिस्टिंग हुआ था 2 रुपया करके। क्या है सर ऊपर जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। कंपनी दोस्तों आप देखोगे तो BSE में लिस्टिंग है, 5 करोड़ 35 लाख का मार्केट कैप रखा है। स्टॉक भी ठीक है, बुक वैल्यू से ऊपर सर मिल रहा है, हाईलो देख सकते हो, डिविडेंड नहीं देता है, फेस वैल्यू 10 का है। ROC ठीक है, कर्जा देखोगे 35 करोड़ का कर्जा है, लेकिन रिजर्व देखोगे उससे कम है, एसेट 51 करोड़ का रखा है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, फ्री कैश नहीं है, प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव, नेटवर्क पॉजिटिव, डिविडेंड नहीं दे रहा है, डेट टू इक्विटी ज्यादा है, यानी कंपनी फंडामेंटली वीक नजर आ रहा है। उसके अलावा स्टील में काम करता है, मीडियम स्टील और स्मॉल स्टील में, और ये कंपनी 8 नंबर पर आता है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है ये देखिए, परफॉर्मेंस ठीक हुआ है, ऑपरेटर प्रॉफिट ठीक ठाक, नेट प्रॉफिट 21 लाख से 8 लाख को गिरा है। ईयर वाइज देखोगे कारोबार सही हुआ है, ऑपरेटर प्रॉफिट यहाँ पर ठीक ठाक है, नेट प्रॉफिट देखोगे ठीक ठाक हुआ है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है, सेल ग्रोथ पॉजिटिव, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव, CAGR नेगेटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव। एसेट देखोगे एसेट में दोस्तों ठीक ठाक नजर आ रहा है, और नेट कैश फ्लो यहाँ पर माइनस है। होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर यहाँ पर 24%, पब्लिक यहाँ पर 75% रखे। तो यहाँ पर दोस्तों FIDI कोई भी नहीं है, प्रमोटर पब्लिक के पास माल है। दोस्तों लॉन्ग टर्म की नजरें लेकर आओ, 100-200 ही इन्वेस्ट करो, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो एक अच्छा रिटर्न एक कंपनी आपको दे सकता है। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।